हरिओम दोस्तों, एक जंगली जानवर भी दिखाएंगे कौन कौन मिलता है क्या था मतलब? अभी आगे एक जानवर आया, छोटा सा जानवर दिखाई देता है, हम आपको वो दिखाएंगे, कैप्चर करवाएंगे आपको, चाहे वो भालू हो, चाहे वो बाघ हो, चाहे कुछ भी हो वो। हरिओम बाबा भोलेनाथ बाबा, बहुत मस्त। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा अभी आपको गुड इवनिंग बोलूं गुड नाइट बोलूं, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं अभी। क्या प्लान है हमारा आज का? दोस्तों जय महादेव, आज हम निकले हैं, आज के दिन बाबा भोलेनाथ देवता के यहाँ पे मेला हो रहा है। एक्चुअली बाबा भोलेनाथ का बुलावा आया तो हम लोग सीधा निकल रहे हैं। अब कब होने वाला दोस्तों, अभी बने रहिए हमारे साथ। 3:30 बजे हमें यहाँ पे पहुँचना है बरकोट, हर हर महादेव। और अभी तो आपको हम जंगली जानवर भी दिखाएंगे कौन कौन मिलता है। जब तक बाबा की नगरी में कठिनाइयाँ ना हो तो क्या फायदा। अब हम इतनी रात को निकल रहे, क्या पता हमारे आगे क्या आ जाए जानवर, क्या पता हमारे आगे क्या बाघ आ जाए, कुछ भी आ सकता है, भालू आ जाए। जब तक बाबा की नगरी में, ये उत्तराखंडी नगरी में कठिनाइयां ना हो, चाहे कोई भी धाम हो, मैं बोलता हूँ चाहे कोई भी धाम हो, जब तक आप इस चीज में कठिनाइयां ना हो तो वो कुछ मंजिल ना हो, कुछ परिश्रम ना हो उस चीज की, वो यात्रा सफल ना हो, जब तक अपनी यात्रा कठिन में ना हो तब तक वो मजा ना आए। हाँ ये तो है, अधिकारी जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब तक जिंदगी में कठिनाइयाँ नहीं होगी जिंदगी का मजा नहीं। तो दोस्तों रात के सफर में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, और हम लोग बस जैसे अभी पहुंचे और मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत प्यारा भी वो देख सकते हो यहाँ से हमारा जो बरकोट है। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। अभी हम रात के 1 बज रहे हैं, अभी हम बाबा भोलेनाथ की नगरी में निकल रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाबा भोलेनाथ के पास। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ पहाड़ों की ओर, काफी मजा आने वाला है आपको इस ब्लॉग में। अगर हमें आपको जो आगे कोई भी जानवर दिखाई देता है, हम आपको वो दिखाएंगे, कैप्चर करवाएंगे आपको, चाहे वो भालू हो, चाहे वो बाघ हो, चाहे कुछ भी हो वो, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे, कुछ भी का मतलब आप सोच सकते हो कुछ भी क्या हो सकता है, बट आपको देखना जरूर है और गौर से देखना है आपको। और ये कुछ भी होने वाला, पहाड़ों की वादियों को आपको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, आपको ये राइड कैसी लगी और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी कैसी लगी, कैसी लगी आपको, बस ये जरूर देखना है। ये भी बता रहा है दोस्तों आपको, बाकी अगर आपको भालू मिलता ना भी, आहा, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं फटेगी हमारी भी, फटेगी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हमारी भी हालत खराब होगी, हमारी भी हालत बहुत खराब होगी। सही बात, बाबा भोलेनाथ की नगरी में जा रहे, सुबह तक मेरा प्लान बन रखा था जाने का, बट सुबह तक मेरा कुछ नहीं था, हाँ हो रहा था, बट देखो ये बाबा की मर्जी है, भोलेनाथ की मर्जी है, कब हम जा रहे हैं कब हम आ रहे हैं, बस उसके आगे जो चलती है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा वो करेगा वैसे हम करेंगे। कल सुबह मुझे मॉर्निंग में 8:30 बजे ऋषिकेश जाना है, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, बट अभी बाबा भोलेनाथ की नगरी में है, हम वहाँ जाएंगे पहले। हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो यहाँ से बस अभी 5 किलोमीटर बचा है और भालू मिलने की उम्मीद थी, अभी तक तो नहीं मिला है, क्या पता आगे कुछ मिल जाए, पर फिलहाल अभी हम लोग बस चल रहे हैं, बाकी अधिकारी जी से जानेंगे हम कि उनको कितना ठंडा लग रहा है और क्या उनका अभी मतलब ऐसी ठंड में बाइक चला रहे हो तो यार वही जाने, और अब तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, अधिकारी जी बताइए। अभी ठंड का कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, मतलब मैं भोलेनाथ की बाबा भोलेनाथ की नगरी में जा रहा हूँ। थोड़ी कठिनाई हैवी राइड हो नहीं, ये थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, मतलब मैं कहाँ था, मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में जा रहा हूँ, ठंड का मुझे कुछ एहसास नहीं लग रहा है, मुझे कुछ एहसास नहीं लग रहा है कि ठंड हो रहा है कुछ भी, वो भी मैं राड़ी टॉप में हूँ। ठंड ऐसी चीज़ होती है, ठंड कुछ ऐसी चीज़ की होती है जिसको बोलते हैं, जैसे मसूरी है पहाड़ों की रानी, अभी आगे एक जानवर आया छोटा सा, पहाड़ों की रानी जैसे मसूरी होती है ऐसे ही पहाड़ों का राजा बॉक टिप्पा होता है, पर उस हिसाब से मुझे कुछ ठंडा लग ही नहीं रहा है। भाई ये हमारे आंसू भाई जी हैं जो कि स्पेशली बाघ देखने पहुंचे हैं। हाँ मेरे एक्चुअली मेरे दोस्त आए हैं देहरादून से स्पेशली, और मैंने इन्हें बोला कि यहाँ पे बाघ दिखते रहते हैं, आई मीन तेंदुआ बोलते हैं जिसे, और हमारी भाषा में बाघ बोलते हैं तेंदुआ, और ये भाई लोग हैं स्पेशल आके दिख जाए, वैसे बिक्की भाई को भी दिखा दूंगा ये वैली होगी, और ये माँ यमुना जी की वैली, एक कदम पे माँ यमुना जी की वैली है, एक तरफ माँ यमुना जी माँ गंगा की वैली, दोनों तरफ काफी आनंद था। नीचे यहाँ नीचे की साइड मेला चल रहा है और यहाँ पे 5 डोलियाँ आ चुकी है, और ये हमारे भाई लोग, ये हमारा पांडा है, ये देखिए हमारे बाबा भोलेनाथ जी का, हरिओम हरिओम बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ की जय हो, जय हो। हमारे सभी भक्तगण है इधर, देखिए काफी गर्माश पैदा कर रहे हैं, हमने पिछवाड़ा गर्म कर रहे हैं, और हमारे सौमित भाई और विकास भाई काफी हंस रहे हैं, काफी मुस्कान दे रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ के लोकल निवासी से आपको बताता हूँ कि ये किस उपसर में ये मेला बनाया जाता है और किस रूप से। तो मैं
भाई से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चा भी मत करो यार तुम बच्चों। एक फाइनली भी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन वहाँ पे, तो अधिकारी जी यहाँ पे फुल गया। अधिकारी जी क्या कहना चाहोगे आप फिर यहाँ पे? हर महादेव जय बाबा। हम पांडोलिया देख सकते हैं आप, और हमारा लास्ट का दर्शन यही था, और अब हम अपने वापसी की ओर जा रहे हैं। और कौन तो आज का ब्लॉग यही तक ले है, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर।